जो जो भाई कह रहे थे भाई गोप्रो ले लो गोप्रो ले लो गोप्रो ले लो, तो भाई फाइनली ही अपना गोप्रो आ चुका है। और ये देखो भाई ये आ चुका है अपना भाई गोप्रो। और तो ये देखो हमने लिया गोप्रो 10 का बंडल वाला पीस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई कैसे हो आप सब, आए हो बढ़िया होगा, बढ़िया होने चाहिए। सो भाई सुबह सुबह देखो भाई मौसम देख रहे हो भाई कितना प्यारा मौसम हो रखा है आज भाई दिल्ली में। इस टाइम भाई बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, एकदम बारिश वाला, सुबह बूंदाबांदी भी हो रखी थी। तो भाई आज फाइनली लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के, लोगों के ताने सुन सुन के भाई आज हम जा रहे हैं फाइनली गोप्रो लेने। तो शायद हम गोप्रो 10 ही लेके जा तक है। और भाई अभी फ़िलहाल देखो बाइक खड़ी यहाँ पे, अब इसको बाहर निकालते हैं, पहले साफ वाफ करते हैं। मिट्टी देखो भाई कितनी हो रखी है ना, ये तो डस्ट इतनी उड़ रही है ना भाई, हवा देखो कितनी चल रही है। तो इस वजह से सारी बाइक पे भी, और देखो गाड़ी पे भी धूल, चेक करो देखो, देख रहे हो भाई सब धूल कितनी जम गई है। तो अभी पहले बाइक को साफ करते हैं फिर चलते हैं भाई गोप्रो लेने सीधा, क्योंकि भाई, और अब आपको इसके बाद भाई नेक्स्ट व्लॉग गोप्रो के साथ ही मिलेगा, गोप्रो की आवाज़ के साथ ही मिलेगा। भाई बहुत बंदे कमेंट कर रहे थे कि यार गोप्रो ले लो, इतनी महंगी बाइक ले रखी है, गोप्रो भी ले लो, उसमें क्लैरिटी आएगी, आवाज़ आएगी। तो भाई बहुत लोगों ने कहा था, राइड पे भी गया तो वहाँ पे भी कहा था लोगों ने कि भाई गोप्रो तो ले लो, इतनी महंगी बाइक ले रखी है। तो भाई इसलिए आज हम फाइनली भाई जा रहे हैं गोप्रो लेने। तो भाई एक बार नया खर्चा हो रहा है बाइक में, और अभी मेरे को भाई राइडिंग गियर्स भी लेने, अभी वो भी नहीं लिए मैंने। तो अभी भाई चलो बाइक को पहले करते हैं साफ, फिर मैं मिलता हूँ आपको बाइक साफ़ करने के बाद। सो गाइस भाई देखो अपने पास भाई सब्सक्राइबर्स मिलने आए हैं, अपने घर के पास में रहते हैं। क्या नाम है आपका? अविना। अविना, विनय। विनय आपका? महावेश। तो भाई देखो दो प्यारे प्यारे बच्चे मिलने आए भाई हमसे, ये कह रहे थे भैया ब्लॉग में डाल दो, तो इनको भी ब्लॉग में डाल दूंगा मैं साथ में। ओके थैंक यू भैया। ओके वेलकम भाई, वेलकम, बाय बाय भैया, बाय। सो गाइस भाई फाइनली हमने पूरा दिन अपना लगा के देखो गोप्रो ले लिया, साथ में मीडिया मोड भी है और इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर भी ले लिया। तो अभी इसको भाई हम अनबॉक्सिंग करते हैं, और हमने एक गोप्रो लिया है बंडल वाला, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अभी। देखो ये रहा बंडल वाला, लिखा हुआ है स्पेशल बंडल। मेरी कौन बनाएगा? गोप्रो कुछ नहीं। गाइस हमने फाइनली भाई गोप्रो ले लिया है, और हमें अराउंड भाई कर कर आके भाई 50,000 का पूरे का पड़ गया हमें। तो अभी देखो भाई फिलहाल रखी है रात, और बाइक को रखा है कोल्ड स्टार्ट। तो अभी फिलहाल सीधा चलते हैं घर पे, उसके बाद घर पे आके करते हैं भाई अपने गोप्रो की अनबॉक्सिंग, और देखते हैं भाई इसका कैसा क्या सिस्टम है, क्या सेटअप बैठता है। गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, और ये देखो भाई ये आ चुका है अपना भाई गोप्रो। और तो ये देखो हमने लिया गोप्रो 10 का बंडल वाला पीस, क्योंकि गोप्रो 10 ले रहे थे हम, तो उसमें उनके पास गोप्रो 10 था नहीं, और फिर बंडल वाला था उनके पास, तो हमने सिर्फ बंडल वाला लिया है। और हमें बेनिफिट भी बंडल वाले में ही दिखा, क्योंकि भाई इसमें सामान मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है स्पेशल बंडल, तो इसमें भाई एक माउंट मिल जाता है, ट्राईपॉड मिल जाता है, मिनी ट्राईपॉड, और एक बैटरी मिल जाती है। तो इसी में आया था अपना भाई गोप्रो 10। तो ये देखो भाई ये रहा देखो गोप्रो का डब्बा, इसमें है गोप्रो 10। तो इसको एक बार निकालते हैं बाहर। और साथ में भाई हमने लिया है मीडिया मोड, देखो मीडिया मोड भी लेके आए हम इसके लिए। तो भाई इन दोनों की जो कॉस्टिंग हमें अराउंड पड़ी है, इसकी मेरे को कॉस्टिंग पड़ी थी, ये मेरे को पड़ा 39 का, ये मेरे को 39,000 का पड़ा भाई गोप्रो 10 मीडिया मोड। इसमें देखो भाई लिखा है 8,700 रेट, और ये देखो भाई 8,700 रेट लिखा है, और मेरे को मीडिया मोड पड़ा है 7,000 रुपये का। तो भाई टोटल मेरे को जो सामान पड़ा है भाई, ये मेरे को पड़ा है 46,000 का, ठीक है। तो अब इसमें जो सामान मिला है भाई अपने को देखो, पहले तो भाई देखो यार अपना गोप्रो,
तो देखो भाई ये दिखता है अपना GoPro ऐसा कुछ, यहाँ पे लिखा है भाई GoPro 10 Black भी लिखा हुआ है। ये देखो फोकस नहीं पकड़ रहा भाई, ये देखो GoPro 10 Black। तो इसको भाई रखते हैं आराम से साइड में इसके ऊपर। तो ये देखो भाई जो बंडल वाला सामान है ये चीज़ है, तो इसको हम पता है भाई ऐसे लगा भी सकते हैं। अभी दिखा दो एक मिनट, जैसे कहीं भाई बैग वगैरह पे या कहीं लगाना हो अपने कपड़ों में लगाना हो भाई GoPro का सेटअप करना हो, तो ये देखो भाई इसको यहाँ पे ऐसे अटका सकते हैं। तो भाई देखो ये इतना टाइट है ना भाई, ये यहाँ से निकल भी नहीं रहा, ये देखो खींचने पे भी नहीं निकल रहा। देख रहा भाई शर्ट पूरी खींच रही है पर ये नहीं निकल रहा। तो भाई ये देखो ये चीज़ थोड़ी सही लगी मेरे को। बाकी उसके बाद भाई दे रखा है ये देखो, ये हेलमेट पे लगाने के लिए माउंट दे रखा है, बट मेरे पास पहले से माउंट लगा हुआ है तो मेरे को इसका कोई काम नहीं है। बाकी अब इसको मैं इमरजेंसी के लिए रखूँगा कि हाँ भाई आगे काम पड़ जाए। बाकी क्योंकि यार अगर मैं इसको अभी लगाता ना हेलमेट पे तो मेरे को MCL वगैरह से इसको सेट करना पड़ता भाई, क्योंकि 3M की टेप का भाई भरोसा नहीं है कब निकल जाए। और बाकी देखो एक्स्ट्रा बैटरी मिली हमें, और इसमें मिली हमें भाई डाटा केबल चार्ज करने के लिए, और बाकी इसके ये देखो माउंट वगैरह मिले हुए हैं, एक दो माउंट के साथ हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और एक ये तीन माउंट है इसके टोटल। और बाकी भाई इसका देखो भाई एक मिला है हमें ट्राईपॉड भाई, ये देखो ये रहा भाई निकल जा, ये निकलेगा नहीं अब, एक तो इन्हें फंसा के दिया ना भाई ऐसे। तो देखो ये है ट्राईपॉड, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं खुलता है, बस थोड़ा सा ही खुलता है, इतना हो गया, इससे थोड़ा सा और खुलेगा बस। तो ये मिनी ट्राईपॉड है, जैसे मतलब नॉर्मल व्लॉगिंग करनी हो ना ऐसे हाथ में पकड़ के, तो उसके लिए है। तो अब अपने भाई GoPro 10 को भाई स्टार्ट करते हैं, और इसके फीचर्स वगैरह मैं इसको एक बार ऐसे ना मैं इसका फीचर वगैरह सारा देख के सीख के मैं बैठा हूँ, तो मैं इसलिए आपको बता देता हूँ भाई इसके भी फीचर्स। तो भाई अब अपना व्लॉग जो आने वाला है वो आएगा अपना भाई GoPro 10 के साथ। तो अभी इसको करते हैं हम भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ से इसका पावर का बटन है, इसको दबाएंगे तो यहाँ से चालू हो जाएगा, ये देखो पावर का बटन, इसको दबा के रखते हैं। तो ये देखो भाई ये हो चुका है ऑन। तो इसको भाई मैं इसकी सेटिंग ना पहले से सेट करके बैठा हूँ कि मेरे को कौन सी क्वालिटी पे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो भाई मैं देखो 4K 60 पे मेरे को अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मैं इसलिए इसको सेट करके बैठा हूँ पहले से ही। और इसकी वीडियो क्वालिटी यार अभी थोड़ी तो ठीक है, देखो आपको कैमरे में दिख रहा होगा, देख रहे हो भाई क्वालिटी तो देखो भाई इसकी ठीक है। बाकी हम बाहर बनाएंगे तो पता लगेगा उसके बाद कि कितनी कैसी क्वालिटी आती है। बाकी यार इसकी बैटरी रहा है बहुत जल्दी ख़त्म होती है देखो, तो इसकी एक बैटरी सिंगल चार्ज पे ना ये चलती है अराउंड 45 मिनट्स चलती है बस, इसलिए भाई दो बैटरी लेना तो भाई अगर कोई व्लॉगिंग करता है तो भाई दो बैटरी तो हमेशा रखना ही अपने साथ आप लोग। बाकी देखो भाई एक है इसका फ़ोटो का, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो फ़ोटो है, फ़ोटो खींचने के लिए हमें भाई यहाँ से करना पड़ता है, इसको ऐसे खींचना पड़ता है। ये देखो ये ऊपर बटन दे रखा है, इसको अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं ना तो यहाँ से इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, फ़ोटो खींचने तो फ़ोटो खींच जाती है, जैसे दिखाता हूँ ये देखो इसको दबाया, ये देखो खींच गई फ़ोटो। बाकी अब इसको फिर अगर हमें रिकॉर्डेड वीडियो और फ़ोटो देखनी हो तो इसको हम ऐसे ऊपर करेंगे, तो ये देखो भाई फ़ोटो खींची हुई है जो आ गई यहाँ पे, ये वीडियो है जो मैंने बनाई थी, तो ये सब है यहाँ पे, इसको नीचे कर देगा तो वापस हट जाएगा। और इसके जो वीडियो में वो है कि भाई कहाँ कौन सी उसमें रखनी है, तो इसमें कौन से एंगल पर रखना है, तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कोने में एस नीचे, तो मैंने ये एस है सुपर व्यू, ये देखो ये लिखा सुपर व्यू। बाकी इसको हम वाइड पे भी रख सकते हैं, देखो वाइड पे भी रख सकते हैं, लेकिन भाई मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ तो मेरे को भाई सुपर व्यू में रखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको सुपर व्यू में इसको फिट कर रखा है। बाकी तो भाई सही लगा मेरे को GoPro। बाकी अभी इसको रिकॉर्ड करेंगे भाई, इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह देखेंगे एडिट करने टाइम में कि हाँ भाई कैसी क्वालिटी है, तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई GoPro लेने में फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो यार अभी तो फिलहाल देखो भाई यही था अपना। बाकी इसका एक माइक है यार, माइक का सिस्टम बैठ नहीं रहा, तो मैंने एक माउनो का माइक ऑर्डर किया तो वो कल सुबह तक आ जाएगा, तो फिर भाई कल व्लॉग बनाएंगे अपन जब कॉलेज जाएगा, तो कॉलेज आते टाइम एक बार व्लॉग बनाते के ट्राई करेंगे। तो भाई फिलहाल व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और भाई जो भाई कह रहे थे भाई GoPro ले लो GoPro ले लो GoPro ले लो, तो भाई फाइनली अपना GoPro आ चुका है। तो भाई
अब मेरे ख्याल से भाई अब कोई माइक वॉइस में इशू नहीं आना चाहिए, ना क्लैरिटी में आना चाहिए, क्योंकि भाई GoPro 10 लेके आया हूँ मैं। तो भाई अब सब ने भाई परेशान कर रखा था कि हाँ भाई GoPro ले लो, GoPro ले लो। तो फाइनली GoPro तो आ चुका है, अब इससे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि हाँ भाई कैसा इसका सिस्टम है, कैसे रिकॉर्ड करता है, इसकी क्वालिटी कैसी रहती है। तो फिलहाल व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में GoPro 10 के साथ। जब तक के लिए भाई सी यू, टाटा, बाय बाय।